आरडीपीओपी के फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 27 जून। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है कि टोटल एप्लीकेशन अभी तक कितने आए हैं, बट लास्ट ईयर का भी अगर डेटा देखें, क्योंकि हर साल इंक्रीज ही होता है, तो दैट वाज अराउंड 5.9 लाख फॉर आरआरबी पीओ प्री, एंड अगर आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 8.4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। एंड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसका अगर 20 टाइम्स भी कंसिडर कर लें हम लोग, तो जैसे 3600 है, तो 3600 का अगर 20 टाइम्स कर लेंगे तो दैट विल बी अराउंड 72,000। तो 6 लाख बच्चे अगर इस साल भी अप्लाई करते हैं, उसमें से 72,000 बच्चों को अगर मेंस में बुलाया जा रहा है, तो 12% हुआ ना, ये 88% बच्चा फिल्टर आउट हो जाएगा। ये 12% ही असली मायने में बताया जाए तो यही है जहाँ पे कंपटीशन है, इसी के अंदर आपको घुसना है। ये 12% होगा तभी आप आगे मेंस की बातचीत करोगे। तो अभी एक महीने का टाइम है, ठीक है, इस एक महीने में जितने अच्छे से एफर्ट डालोगे, जितने डिसिप्लिन्ड वे में काम कर लोगे, वही आपका ये 12% में आपको ले जाएगा, एल्स नए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस नेक्स्ट मंथ में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग मॉक अभी दे रहे हैं, ठीक है, क्लासेस अभी उतना ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ना, आरआरबी पीओ के स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए खुद की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको कहीं पर डाउट होता है तो उसके लिए टीचर की क्लास लीजिए, लेकिन वही डाउट वाले पोर्शन के लिए आप क्लास लीजिए, या फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको वो बता रहे हैं तो उसकी क्लास लीजिए, रैदर देन कि आप पूरे दिन क्लास ही ले रहे हैं, वो नहीं। अभी आपको अपने एंड से ना बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है। अगर आप एक मॉक दे रहे हैं तो 2 दीजिए, अगर दे सकते हैं 3 दे सकते हैं तो 3 दीजिए, 4 दे सकते हैं तो 4 दीजिए, 5 दे सकते हैं तो 5 दीजिए, एनालिसिस के साथ। मतलब डिपेंड करेगा कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। एक महीने को ऐसा आप रखो कि मुझे जितने टाइम मैं उठता हूँ ना, जितने टाइम तक मेरा माइंड चलता है, जितने टाइम तक मैं सोच समझ के पढ़ाई कर सकता हूँ, उतने टाइम तक करना है। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं, 4 मॉक दे सकते हैं, 3 मॉक दे सकते हैं, तो डेली दीजिए। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या प्री में पजल आपको नहीं बन रहे हैं, क्या डायरेक्शन साइंस में गलती हो रही है, क्या ब्लड रिलेशन मेरा वीक एरिया है, क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको छोड़ सकते हैं, सबको करना पड़ेगा। अरिथमेटिक अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं है क्यों नहीं है, कहाँ से करना पड़ेगा, वो आप अभी खोज के रखिए, जिससे कि नेक्स्ट 1 मंथ में ना बहुत अच्छे तरीके से उस अरिथमेटिक को तोड़ना है, ठीक है। ये अगर नहीं करोगे तो फिर 12% के अंदर भूल जाओ, प्री भूल जाओ, दूसरे एग्जाम का अभी से सोच लो कि एसबीआई पीओ प्री का प्रिपरेशन करना है, लेकिन वो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आरआरबी तो चलो थोड़ा सा इजी लेवल का है, वो और भी डिफिकल्ट होगा, वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो और प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी है, लेकिन कॉम्पिटिशन वहाँ पर भी रहेगा, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अभी क्यों ना मेहनत कर लें, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया है एक महीने का, कि जुलाई मंथ में जिस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से कितने आपको क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको लगाने चाहिए, वो एक टाइमलाइन है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने एक अभी फीनिक्स प्रो करके एक कोर्स लॉन्च किया था, दिस इज नॉट, मैं कोर्स आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, वो बैच हमने पेड निकाला था, बट नेक्स्ट मंथ वो फ्री हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए फ्री हो जाएगा, जो भी टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं सारे आपको फ्री में अवेलेबल होंगे, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मैंशन किया है कि किस तरह से आपको करना चाहिए, जैसे अरिथमेटिक टॉपिक को कैसे करना है, पजल्स को कैसे करना है। अब वो बच्चे जिन्होंने मान लीजिए वो पेड लेके खरीदा था, उनका क्या होगा, तो उन सभी बच्चों का मैं आपको पर्सनली ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब आरआरबी पीओ मेंस आएगा तब हम एक क्रैश कोर्स निकालेंगे, वो क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा, उतने ही प्राइस में रहेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी पेमेंट किया है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कहीं पर पैसा डूबा नहीं है, आपको मेंस की क्लासेस फ्री मिलेंगे मेरे एंड से, बट ये नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा पूरा का पूरा कंप्लीट फ्री, क्योंकि अभी कुछ क्लासेस हैं जो पेड में चलेंगी, बाकी आपका फ्री हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि सारे वीडियोस देखनी है ना, क्योंकि एज तो जो मैंने आपको बताया उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ ना कि वीडियो ही देखना है, नो, जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम लगता है, जैसे अरिथमेटिक का है, हमने 3-4 मैराथन लिए हैं, तो वो सारे आप कंप्लीट कर लीजिए। पजल में अगर दिक्कत है तो पजल को ही देख लो। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जिसमें लगता है कि हाँ सर का अप्रोच अगर सीख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आप कीजिए, ठीक है। तो मैं अपने एंड से जितना भी आप लोगों के लिए हो सकता है ना वो कर रहा हूँ, एक टाइमलाइन भी दे रहा हूँ, प्लस ये कोर्स भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, और इस टाइमलाइन के अंदर ना जो टेलीग्राम चैनल है हमारा और जो ग्रुप है उसके अंदर आपको डेली बेसिस पे क्विजेस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में कोई ऐसा लगेगा ही नहीं कि नया क्वेश्चन टाइप है, हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। और आप लोगों को भी अपने एंड से ये ट्राई करना है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज इतने प्रैक्टिस कर लो कि 5 में से 4 तो बना ही लेंगे, ठीक है। इस तरह का हमारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से 2 चीज़ें चाहता हूँ। पहली चीज़ कि जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे उसको ज्वाइन कीजिए, और जो टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में,
कि आप लोग की अभी प्रिपरेशन और अभी मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है जिसको प्रॉब्लम है कोई टॉपिक पे, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो वो जो फ्री मैं कोर्स दे रहा हूँ उसमें टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने जो भी वीक टॉपिक्स हैं या जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जैसे पजल में अगर वेकेंट वाला पजल आपको दिक्कत लगता है, या फिर मान लीजिए डेजिग्नेशन वाला पजल आपको दिक्कत लगता है, या एरिथमेटिक में कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसकी प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा हमारे एंड से चाहते हैं, तो वो मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक पीपीटीज एंड आपको अकॉर्डिंगली हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सोचा है फॉर जुलाई मंथ। तो अगर आप लोग साथ देंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टाइमलाइन है और ये जो कोर्स है आपका प्री कहीं नहीं जाने देगा। 12% के अंदर तो क्या, 1% के अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।